रहे लोगों की जमीन छीन लेते थे। ये शहजादे का कहना है कि भारत के राजा, भारत के महाराजा ये अत्याचारी थे, ये गरीबों की जमीन छीन लेते थे, जब मर्जी पड़े तब उनका सब हड़प कर लेते थे। कांग्रेस के शाहजादे ने छत्रपति शिवाजी महाराज, कित्तूर की रानी चिन्नम्मा जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान किया है। इनका सुशासन, इनकी देशभक्ति आज भी हम सभी को प्रेरित करती है। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे, किसी की जमीन चाहिए होती थी उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। राजा महाराजाओं पर राहुल गांधी का बयान बीजेपी के लिए एक मुद्दा बन गया, तो कांग्रेस के लिए उनका बयान गले की हड्डी हो गई है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी के राजा महाराजा पर दिए बयान को राजपूतों से जोड़ दिया और ट्वीट कर कहा, राहुल गांधी को इस आपत्तिजनक बयान के लिए राजपूत समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर गोलमोल जवाब देते नजर आए। समाज का हर वर्ग नाराज है, समाज का हर वर्ग परेशान है, किसान, महिला, युवा, श्रमिक, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, सब लोग परेशान हैं, क्योंकि जो वादे प्रधानमंत्री ने किए थे 2014 में और 2019 में वो झूठे निकले, वो जुमला निकले। प्रधानमंत्री गलती से भी सच नहीं बोलते, हमारे न्याय पत्र को लेकर इतना झूठ बोला, इतना सांप्रदायिक उन्होंने रंग दिया है, बिल्कुल बेबुनियादी आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी जी इस देश को समझे कहाँ है, उन्होंने तो समझा है इटली को, उन्होंने समझा है ब्रिटेन को, उन्होंने समझा है दुनिया के वैसे देशों को जिन देशों ने भारत का नुकसान पहुंचाया। तो वैसे देशों के इतिहास को जो समझता होगा भारत के इतिहास के बारे में, उससे इससे इसके अलावा कुछ अतिरिक्त टिप्पणी की आशा भी नहीं की जा सकती। देश में राजपूतों की आबादी लगभग 7 से 8% है और उत्तर प्रदेश में राजपूतों की संख्या सबसे ज्यादा है। जाहिर है राहुल गांधी के राजा महाराजाओं वाले बयान से राजपूत मतदाताओं पर असर पड़ सकता है। और इधर लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है और इन सब के बीच दक्षिण भारत की सीटों पर बीजेपी अपना फोकस बढ़ा दिया है बीजेपी ने, जबकि दो चरण की वोटिंग के बाद यह कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन फंसता हुआ दिख रहा है। दक्षिण के केरल में पिछले चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन शानदार रहा था। दक्षिण के 5 राज्यों में कुल 129 सीटें और यहां पर बहुत कुछ दांव पर है। देखिए, कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते जितने हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, उसी से गठबंधन करती है। महज 2 चरण के चुनाव में ही एनडीए और इंडिया गठबंधन ने मुद्दों से लेकर आरोपों की झड़ी लगा रखी है। एनडीए जहां दावा कर रहा है कि हमने 2 चरण में दक्षिण में बाजी पलट दी है, तो वहीं दावा किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन 2 चरण के चुनाव के बाद उत्तर में फंसा नजर आ रहा है। इन 2 तस्वीरों को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन की चाल क्या बता रही है। दक्षिण में पीएम मोदी शुरू से ही जोर लगा रहे हैं। 129 लोकसभा सीटों वाले दक्षिण के 5 राज्यों में बीजेपी ने बहुत कुछ दांव पर लगाया है, तो वहीं दक्षिण में खुद को मजबूत समझने वाले इंडिया गठबंधन उत्तर में फंसता हुआ नजर आ रहा है। हम आपको आज यही बताने जा रहे हैं दक्षिण में बीजेपी क्या खेला करने जा रही है। आगे, 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 आगे।
दक्षिण में पलटी बाजी, दो चरण में कौन आगे। 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले जिस तरह से एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच 7 चरण के चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है, उसने 24 के लोकसभा चुनाव को बेहद दिलचस्प और कांटे का बना दिया है। एनडीए का चेहरा बने पीएम मोदी की बात करें तो अभी तक उनकी टक्कर का प्रचार किसी भी पार्टी के नेता ने नहीं किया है। 400 प्लस का मिशन लेकर चल रहे पीएम मोदी ने जिस तरह से दक्षिण भारत पर फोकस किया है, उससे साफ लग रहा है कि पीएम मोदी को अंदाजा है कि अगर दक्षिण की 129 लोकसभा सीटों पर जमकर मेहनत की जाए तो बीजेपी को इसका जबरदस्त फायदा मिल सकता है। कर्नाटक के बेलगावी में पीएम मोदी ने औरंगजेब के बहाने इंडिया गठबंधन पर सीधा हमला किया है। भारत के इतिहास में जो अत्याचार नवाबों ने किए, निजामों ने किए, सुल्तानों ने किए, बादशाहों ने किए, उसकी बात पर तो शाहजादे के मुंह पर ताला लग जाता है। इंडिया गठबंधन के मुकाबले एनडीए गठबंधन दक्षिण भारत में मजबूत नहीं माना जाता है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने चुनाव प्रचार की शुरुआत से ही दक्षिण राज्यों को फोकस किया है, वो मोदी के दक्षिण मिशन का बहुत ही सोचा समझा प्लान है। अगर आप पॉलिटिकल मैप को देखेंगे तो उत्तर भारत का हिस्सा भगवा नजर आएगा, लेकिन बीजेपी की गाड़ी दक्षिण भारत के राज्यों में रुक जाती है। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। आंकड़े भी इसकी तस्दीक करते हैं कि दक्षिणी राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। सिर्फ कर्नाटक को छोड़कर इस राज्य में पार्टी को सफलता जरूर मिली है। बीजेपी कर्नाटक की ही तर्ज पर पूरे दक्षिण भारत की 129 सीटों पर अपनी रणनीति बना चुकी है। बीजेपी की नजर कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल पर लगी हुई है। यही वजह है कि बीजेपी और पीएम मोदी कांग्रेस, राहुल और लेफ्ट के नेताओं पर मुस्लिम परस्ती, पीएफआई के समर्थन जैसे मुद्दे उठा रहे हैं। वही कांग्रेस के जो है जिसने वोट के लिए पीएफआई, जो आतंकवाद को पनाह देने वाला देश विरोधी संगठन, जिस पर मोदी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, ऐसे पीएफआई आतंकी संगठन का चुनाव में मदद करने के लिए, उनकी मदद लेने के लिए वायनाड में एक सीट जीतने के लिए आप उसको सरेंडर कर रहे हो, उनके कारनामों का बचाव कर रहे हो। दक्षिण पर पीएम मोदी के फोकस होने की कई वजह है। दक्षिण भारत के इन 5 राज्यों में लोकसभा के कुल 129 सीटें हैं। 2019 में भाजपा को इसमें से 29 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार एनडीए कर्नाटक के 28 सीटों पर पूरी तरह से सफाया करना चाहती है, जबकि तेलंगाना की 17 सीटों पर भी बड़ा उलटफेर करने की फिराक में है। कुल मिलाकर पीएम मोदी का मिशन दक्षिण 2 चरण के चुनाव के बाद अब और तेज होता जा रहा है। अब देखना होगा तीसरे चरण में एनडीए और इंडिया गठबंधन किस तरह से एक दूसरे के सामने मुद्दे रखते हैं। इधर यूपी की अमेठी सीट पर राहुल फिर से मैदान में आएंगे या रायबरेली से प्रियंका चुनाव लड़ेंगी, कांग्रेस की तरफ से अब तक ये साफ नहीं है। सीएसी की बैठक भी हुई, मंथन भी हुआ, अब ये कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों सीट पर फैसला लेंगे। उत्तर प्रदेश की हॉट सीट और कांग्रेस की पारंपरिक सीट अमेठी पर अभी तक कांग्रेस की तरफ से किसी भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान ना होने से कांग्रेस पर बीजेपी हमलावर है। ऐसा इसीलिए क्योंकि कल देर रात कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कांग्रेस के दिग्गज नेता जुटे, मौका था अमेठी और रायबरेली सीट पर उम्मीदवार के नाम पर फैसला करने का। सूत्रों के मुताबिक सीसी की बैठक में अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने पर मंथन हुआ।
सीसी के सदस्यों, यूपी के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे और विधायक दल के नेता ने भी राहुल और प्रियंका गांधी को ही उम्मीदवार बनाने का अनुरोध किया। हालांकि सीसी ने ये फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ दिया है, जिसके बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर कटाक्ष कर दिया। हम यहाँ पर लोगों के डिमांड के वजह से वहाँ भेजे। अब आगे की बात है, थोड़े दिन ठहरो और रायबरेली और अमेठी में कौन से कैंडिडेट आएंगे, क्योंकि मेरे को तो साइन करके भेजना पड़ता ना, तो मैं देख के ही मैं आपको बोलूँगा ये कैंडिडेट हमारा है तो डाल रहे हैं। हमारी जो इलेक्शन कमेटी है उसमें तय होता है, उसका हमने गैजेट नोटिफिकेशन निकालेंगे, अगर है तो अध्यक्ष आने के बाद साहब को एक कॉपी भेजो। मोदी जी के काम से लोग खुश हैं, जितना मैं घुमाऊं यहाँ पे इतना प्यार मिला है, इतना सभी का सहयोग मिला है कि इस सीट पे अवश्य किसी भी सीट पे राहुल गांधी जी चले जाएं वो हारेंगे, इस सीट पे आए तो हम तो स्वागत करेंगे। उत्तर प्रदेश की हॉट सीट अमेठी से 2019 के चुनाव में भी कांग्रेस ने राहुल गांधी को ही उम्मीदवार बनाया था। हालांकि तब उन्होंने अमेठी के साथ ही केरल की वायनाड लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ा था और 2019 में वो वायनाड से जीते थे, लेकिन अमेठी में उन्हें स्मृति ईरानी ने हरा दिया था। और जब से स्मृति ईरानी ने अमेठी में विजय पाई है तब से वो राहुल गांधी पर हमले करने से चूक नहीं रही। उधर राहुल गांधी से जब अमेठी सीट को लेकर सवाल किया गया तो इसका जवाब देने के बजाय उन्होंने टाल दिया। 26 तारीख को वायनाड का वोट हो जाएगा, उसके बाद गांधी का काफिला अमेठी आएगा। लेकिन राहुल गांधी ने जो तथाकथित रिश्ता अमेठी से जुड़ा था 15 साल लापता रहकर, वो रिश्ता तोड़ दिया जब वो वायनाड चले गए। 15 साल लापता सांसद को सबने धोया, 15 साल सम्मान किया रिश्तों का, जब वो रिश्ता तोड़ गए, अब आएंगे 26 बाद नया रिश्ता बनाने का प्रयास करेंगे, पुराने रिश्तों की दुहाई देंगे। देखिए अमेठी की बात कांग्रेस का डिसीजन है, जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। हालांकि अमेठी सीट पर अभी कांग्रेस पार्टी असमंजस में है और पार्टी के इसी रवैये को बीजेपी अपनी ताकत भी मान रही है। कुछ रोज पहले प्रधानमंत्री ने भी एक रैली से राहुल गांधी पर सीधा हमला बोल दिया था। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनके अलायंस के साथी भी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। अमेठी और रायबरेली सीट पर सालों से गांधी परिवार के प्रत्याशी चुनाव लड़ते आए हैं और इसी वजह से अमेठी को हॉट सीट माना जाता है। लेकिन अभी तक भी अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवार कौन होगा, इस पर कांग्रेस ने अब तक अपने इरादे साफ नहीं किए। लेकिन कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक जल्द ही इन दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा सकता है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।